असलकम वर्कू ब्राहिम नमस अल रसूल कर करीम वलि वही अजमाइन अम्माबाद मोहतरम भाईओ बद्र दोस्तों मार्केट में आई पी ओ की बाढ़ आई हुई है कल तीन आई पी ओ आने वाले हैं आज एक आई पी ओ इस्ट हो चुका है तो हम आज जो इस्टार्ट होया हुआ आई पी ओ है सिर्फ उसी की बात करेंगे और जो कल से तीन नए आईपीओ आ रहे हैं वो तीनों का वीडियो एक साथ में आ जाएगा यानी एक ही वीडियो में हम तीनों आईपीओ को कवर करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं। यह वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है हम हिंदी में आपको बतला रहे हैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया जा रहा है हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी शेयर बाय सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना और किसी भी शेयर को बाय सेल करना है वो आपको अपने ओन रिस्क के ऊपर करना है अपने रिसर्च पर चलिए तो शुरुआत करते हैं कि ये जो कंपनी है पहले इसका हम नाम देख लेते हैं देखो ये इस कंपनी का नाम है इंडियन Renewable एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड आई आर ई डी ए का जो आई का साइज़ है वो ये है 460 और जो रेंज है वो 30 से बत्तीस रुपये के बीच में रहेंगी आई का साइज़ जो है वो 2150 करोड़ रुपीस का है यानी 30 और 32 के बीच में इसकी प्राइस रेंज है 2,150 करोड़ रुपीस ये आई का साइज़ है अप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग होगी मार्केट के अंदर 4 दिसंबर को अब हम देखते हैं ये कंपनी काम क्या करती है बनाती क्या है और से ये कंपनी हमारे लिए हलाल है या नहीं है तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट इंडियन रीनएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इन कॉरपोरेटेड इन नाइनटीन एटी सेवन आई आर ई डी ए इज़ अ सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विथ एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटट इस होली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ़ द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनबल एनर्जी ये जो कंपनी है ये उन्नीस सौ सतासी से काम कर रही है और ये कंपनी फाइनेंस करती है उन पावर बनाने वाले कंपनियों को जो रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए से पावर बनाते हैं जैसे आपने देखे होंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड वो भी फाइनेंस की ही कंपनी है वो भी पावर कंपनियों को ही फाइनेंस करती है लेकिन सबको करती है चाहे फिर वो एन हो और इस तरह की कोई भी कंपनी हो लेकिन ये जो फ़ाइनेंस कंपनी है ये सबको फाइनेंस नहीं करती है ये फाइनेंस करती है ओनली उन्हीं कंपनियों को जो रीनीबल एनर्जी के अंदर है अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट कितना है तो हर साल इसका रिवेन्यू भी और प्रॉफ़िट भी बढ़ रहा है 2021 में इन्होंने 2654 करोड़ रुपीस का बिज़नेस की रिवेन्यू जनरेट किया जिसमें से 346 करोड़ रुपीज़ इनको प्रॉफिट हुआ फिर 2022 में इन्होंने 2859 करोड़ का बिजनेस की रिवेन्यू जनरेट किया और 633 का भी इनको प्रॉफिट हुआ अब देखो दोनों सालों के दरमियान में डबल का फ़र्क है इधर 300 करोड़ का प्रॉफिट था तो अगले ही साल जो है वो प्रॉफिट बढ़ के छः करोड़ का हो गया लेकिन 2023 में जब हम आते हैं एफ वाई में तो दोनों भी चीज़ें बढ़ गई रिवेन्यू जो है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी वन करोड़ रुपीस का है और नेट प्रॉफिट एट सिक्सटी फोर करोड़ रुपीस का मतलब और इसमें पचास परसेंट का ग्रोथ हो गया उसके नेक्स्ट ईयर में तो पता ये चला कि कंपनी का रिवेन्यू भी अच्छा है कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है अच्छा प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और ये जो कंपनी का जो बिज़नेस है इस बिज़नेस के अंदर जो है कंपनी ने अपना आई जो मार्केट के अंदर लेकर आई है किस लिए लेकर आई है ये पैसा कंपनी कहाँ पर इस्तेमाल करेंगी तो वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसे भी हम चेक कर सकते हैं लिमिटेड इट्स कमिंग आउट विथ इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफ़र द आई पी ओ विल बी एन ऑफ़र फॉर सेल एज वेल एज अ फ्रेश इशू इसमें दोनों चीज़ें हैं एक तो कुछ ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है कंपनी रेज्ड थ्रू द फ्रेश ईशू विल बी यूटिलाइज्ड टू अंडरटेक एक्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी अभी जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को और बढ़ाने के लिए वो अपना फ्रेश ईशू लेकर आए हैं तो इस तरह से कंपनी का पर्पस है मार्केट के अंदर एनएससी बीएससी दोनों जगह पे भी कंपनी लिस्ट होंगी अब देखो इसमें हमारे जितने भी मंबर्स है तो हमारे जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये कंपनी जो है आ, अच्छी प्रॉफिटेबल है और मैं कहूँगा कि उन लोगों ने बिल्कुल इसमें अप्लाई करना चाहिए जितने भी नॉन मुस्लिम्स हमारे मेंबर्स हैं या जो लोग मुझे सुनते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मैं तो ये कहूँगा वैसे लोगों ने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर लिस्टिंग के बाद में भी जिसको अगर ये नहीं मिलता है ना लिस्टिंग के बाद में भी उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाय करके रखना चाहिए कि फ़्यूचर में आपको क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनियां भर भर के डिविडेंड देती है आपको और मुझे याद है अच्छी तरह से मैं क़तर में था वहाँ पे मैंने एक लोगों की मजलिस लिया था तो वहाँ बहुत से लोगों को इंडिया में लोगों ने टोपियाँ पिना दिए थे किसी बिल्डर ने जो है किसी का सौ करोड़ खा के बैठ गया था और किसी प्लॉटिंग वाले ने किसी का एक करोड़ खा के बैठ गया था और किसी के साढ़ू ने साले ने बहुनोई ने बहुत लोगों के पैसे खा के यहाँ पे लोग बैठ गए थे तो लोग वहाँ बहुत परेशान थे वो सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि हमने इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है क्योंकि वो लोग सब इंडियन हैं वहाँ पर धंधे कारोबार बिजनेस जॉब्स के लिए गए हुए हैं तो मैंने वहाँ वो लोगों को उस टाइम पर कहा था ये बात एक साल पहले की है यानी नवंबर टू नवंबर लास्ट नवंबर में मैं ख़तर में था फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे मैंने उनको तब कहा मैं कहा देखो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ भाई शेयर मार्केट में ऐसे शेयर चुनो जो आपको अच्छा डिविडेंड देते हैं जैसे कोल इंडिया है अब मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया मैं दो सौ से चिल्ला रहा हूँ कि देखो ये ढाई सौ जाएगा और डिविडेंड जो मिलेगा वो फ्री में रहेगा आपको यानी वो प्रॉफिट रहेगा आपको यानी आपने भैंस ख़रीदे तो भैंस का भी प्राइस बढ़ रहा है दूध फ्री में मिल रहा है बच्चे मलाई भी खा रहे हैं और गोबर के उपले भी बना रहे हैं और तो आप देखो आज वो साढ़े तीन सौ के ऊपर फिर मैंने तीन सौ कहा फिर साढ़े तीन सौ कहा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जितने हमने टारगेट दिए थे वो सारे टारगेट अचीव करके आज उन्होंने पंद्रह रुपये का डिविडेंड दिया है अब मुझे बताओ जब मैं दो सौ रुपये से बोल रहा हूँ अगर दो सौ रुपये पर किसी ने उसकी दस हज़ार क्वान्टिटी अगर ख़रीद के रखा होगा बीस लाख रुपये का माल यानी अगर वो किसी प्लॉट में या फ्लैट के अंदर इन्वेस्ट करता फ्लैट अगर ख़रीदता बीस लाख रुपये का तो उसको उतना किराया नहीं मिलता था जितने का जितने उससे अब उसका प्राइस जो है ना अभी वो चार सौ रुपये के करीब पहुंच गया यानी आपके एक साल के अंदर अंदर है मैं छः महीने की भी बात नहीं है ये चार महीने पहले से मैं बोल रहा हूं तीन चार महीने में ही उसका प्राइस देखो आप डबल के करीब हो गया यानी जिसने बीस लाख का माल खरीदा होगा उसका चालीस के करीब हो गया और उसके अलावा जो डिविडेंड आपको मिल रहा है उसके अंदर अब आज पंद्रह रुपये का डिविडेंड दी कंपनी ने आज ही आज ही उसकी जो है रिकॉर्ड डेट थी अब पंद्रह रुपये का जो डिविडेंड जिसको भी मिला होगा यानी जिसने बीस लाख इन्वेस्ट किया होगा बैठे बैठे उसको जो है ना डेढ़ लाख रुपये का उसके अंदर डिविडेंड मिल गया और ऐसा डिविडेंड कंपनी साल में तीन मरतबा देती है तो ये लॉजिक होता है यही मैं लोगों को सिखाता हूं और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मेरे ज्वाइन बटन के अंदर है अगर आप ज्वाइन बटन ख़रीदते हैं और उसके अंदर के देखते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आती हैं तो मैंने पीएफसी का एग्जांपल भी दिया था ख़तर में मैं बोला देखो पी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड उस टाइम पर वो नाइन्टी सेवन में था मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मैंने कहा देखो किसी ने अगर इसमें दस लाख रुपया भी लगा दिया और किसी ने अगर नौ लाख सत्तर हजार रुपये के अंदर इसके दस हज़ार शेयर भी ख़रीद लिया ना तो आपको इसका भी डिविडेंड वो टाइम पे उसका डिविडेंड यील्ड बारह परसेंट के ऊपर था मैंने कहा कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था मैंने ऐसा कोई सजेस्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले ही कहा हूँ मैं सिर्फ लोगों को एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ सजेशन नहीं देता हूँ अब मुझे याद है जिसने वो टाइम पे अगर 10 लाख का माल खरीदा होगा आज वही पावर फाइनेंस जो है कम से कम उसका वो माल पचास लाख का हो चुका है सिर्फ एक साल में ये बात मैं पिछले नवंबर की क्योंकि बीच में कंपनी ने जो है एक एक शेयर का बोनस भी दिया अभी लास्ट क्वार्टर में और बारह परसेंट का जो उसको डिविडेंड मिल रहा है एक लाख बीस हज़ार रुपये का वो अलग से तो ये चीज़ें समझने की होती है तो ऐसे ही ये जो कंपनी है ना ये लॉन्ग टर्म वाली है शॉर्ट टर्म वाली नहीं है ऐसे कंपनियों के शेयर्स जो है ना इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक मरतबा आप खरीद लो उसके अंदर जो है और छोड़ दो भूल जाओ उसको तो ये मेरा सजेशन हमारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स के लिए है मुसलमानों के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये फाइनेंस की कंपनी है सूद का कारोबार करती है इंटरेस्ट का कारोबार करती है और आपके लिए सराहतन नाजायज़ है आपके लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना या इसके आई में अप्लाई करना तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है अब आपको जिसको अप्लाई करना है और नहीं करना है वो आप अपने ओन रिस्क के ऊपर करें फिर आखिरी में मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं और जो शेयर मार्केट के लाइन के एक्सपर्ट्स है जैसे अनिल सिंघवी साहब है भसीन साहब है और दूसरे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं आप लोग उनके भी वीडियोज़ देखें और ख़ुद पढ़े खुद रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद में ही किसी आई में पैसा लगाए या किसी शेयर को बाय सेल करें अपने ख़ुद के रिस्क के ऊपर السلام عليكم ورحمه الله وبركاته